और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गोल्डन पेंट हो चुका है। ये हमने प्लाईवुड के ऊपर किया है, बाकी आप चाहें तो इसको लकड़ी के ऊपर भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस होगा लकड़ी के ऊपर भी करने का। इस पर हमने सिंगल कोट ही अप्लाई किया है, बाकी आप चाहें तो डबल कोट भी मार सकते हैं और भी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी इसकी। और अगर आपको शाइनिंग चाहिए तो वह भी आपको प्रोसेस इसी वीडियो में पता लग जाएगा कि ज़्यादा शाइनिंग के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह प्रोसेस कैसे होता है। तो ये पेंट हम प्लाईवुड के ऊपर करने वाले हैं, बाकी आप चाहें तो लकड़ी पे भी कर सकते हैं, प्लाईबोर्ड पे भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास ऑयल बेस गोल्ड पेंट है, ये देख सकते हैं 200 ग्राम की पैकिंग है ये एशियन पेंट्स कंपनी की। बाकी आप चाहें तो कंपनी कोई दूसरी भी ले सकते हैं। प्राइमर हम इसमें NC प्राइमर करने वाले हैं और NC पुट्टी करने वाले हैं, बाकी आप चाहें तो ऑयल बेस प्राइमर से भी इस तरह की फिनिशिंग ला सकते हैं। ये देखिए, गुरु कंपनी का हमारे पास NC, और ये हमारे पास डीको पुट्टी है, इसको NC पुट्टी भी कहते हैं। इसी का प्रयोग करने वाले हैं हम इसका बेस बनाने के लिए। बाकी अगर आप ऑयल बेस प्राइमर का यूज करते हैं तो उसके ऊपर आपको चाक मिट्टी का प्रयोग करना पड़ेगा बेस बनाने के लिए। ऑयल बेस प्राइमर के ऊपर यह पुट्टी नहीं चलेगी, उसके लिए आपको चाक मिट्टी का ही प्रयोग करना होगा। तो सबसे पहले हम प्लाईवुड के ऊपर रेगमाल लगाएंगे, 80 नंबर या फिर 100 नंबर का पट्टे वाला रेगमाल। अगर आप लकड़ी के ऊपर करते हैं तो भी आपको रेगमाल पट्टे वाला ही लगाना पड़ेगा, और इसको अच्छी तरह दबा के लगा देना है ताकि प्लाईवुड या फिर लकड़ी बिल्कुल बराबर हो जाए, कहीं पर ऊंची नीची ना रहे। लकड़ी पर आपको ज़्यादा रेगमाल लगाना पड़ेगा, बाकी प्लाईवुड पर आप हल्का फुल्का मार सकते हैं क्योंकि प्लाईवुड पहले से ही बराबर होती है। तो इस तरीके से इसके ऊपर रेगमाल लगा देंगे, पट्टे वाला रेगमाल। उसके बाद में हमें प्राइमर करना है। ये NC प्राइमर है हमारे पास, इसको पतला करने के लिए NC थिनर मिक्स होता है, 1 लीटर में लगभग 1 लीटर ही थिनर पड़ेगा। और इसको कपड़े से छान के गन में भर लेना है और उसके बाद में इसके ऊपर अप्लाई कर देना है इस तरीके से। इसको मारने के लिए हवा प्रेशर कम से कम 60-70 पॉइंट होना चाहिए। इसको आप 1 या 2 कोट कर सकते हैं एक बार में ही। तो देखिए, अभी हमारा प्राइमर लग चुका है, अब इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ेंगे, तब तक आप यह देखिए। दोस्तों, यह है हमारी ईबुक, इसमें आपको सभी प्रकार के पेंट और पॉलिश की डिटेल मिल जाएगी विद मटेरियल के साथ में, और इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये लगभग 20 पेज की ईबुक है। इसको खरीदने के लिए आप किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया होता है पॉलिश पेंट करना सीखें। उस लिंक पर क्लिक करेंगे सीधा बुक पर पहुँच जाएंगे, उसके बाद में व्यू नाउ पर क्लिक करेंगे, फिर अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, अमाउंट भर के नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। प्राइमर सूखने के बाद में अब इसके ऊपर हमें पुट्टी करनी है। ये देखिए, NC पुट्टी है हमारे पास, डीको पुट्टी भी कहते हैं इसको, या 500 ग्राम की पैकिंग है, बाकी इससे बड़ी भी पैकिंग आती है। पहले डब्बा खोल के इसको अच्छी तरह से मिला लेना है और उसके बाद में इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। पूरी प्लाईवुड के ऊपर खींचना है हमें ताकि इसकी नस वगैरह भर जाए। इस तरीके से पूरी प्लाईवुड के ऊपर इसको खींच देंगे। इस पुट्टी के हमें 2 कोट करने होते हैं क्योंकि 1 कोट में पूरी प्रॉपर भराई नहीं हो पाती है। दूसरा कोट हम सूखने के बाद में करेंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ये मैं एक हाथ से कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है करने में, बाकी आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो अभी हमारा 1 कोट हो चुका है, अब इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ेंगे 15-20 मिनट, उसके बाद में हम इसके ऊपर डबल कोट इसी तरीके से अप्लाई कर देंगे। ये डबल कोट हो रहा है हमारा। डबल कोट करने के बाद में इसको कम से कम 1 घंटा तक छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में इसके ऊपर रेगमाल लगाना है हमें। ये 220 नंबर का रेगमाल है हमारे पास, इसको आप पानी से भी लगा सकते हैं और सूखा भी लगा सकते हैं। इसको अच्छी तरह दबा के लगा देना है ताकि जो एक्स्ट्रा पुट्टी लगी हो सारी निकल जाए, मतलब इसको बराबर कर लेना है, इसका लेबल सही कर लेना है।
अगर आप पानी से लगाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया कटाई हो जाएगी, बाकी आप सूखा भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसी तरीके से दबा के इसके ऊपर रेगमाल लगा के इसको साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से, और उसके बाद में हमें इसके ऊपर पेंट अप्लाई करना है। ये देखिए पेंट है हमारे पास एक्कोलाइट प्रीमियम इनेमल गोल्ड कलर है, ये हाई ग्लोस फिनिश में होगा। ये इसको पतला करने के लिए तारपीन का तेल या फिर आप चाहें तो थिनर भी मिक्स कर सकते हैं, एनसी थिनर। एक लीटर में लगभग 200 या 300 ग्राम तक थिनर या तारपीन का तेल मिक्स करना होता है, बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिक्स कर सकते हैं। ये हम इसमें थिनर मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए अभी हमारा बन चुका है, इतना पतला हो गया है। अब इसको अप्लाई करना है इस तरीके से, गोल्ड ऑयल बेस गोल्ड पेंट है ये। इसके हमें एक बार में ही 2-3 हाथ मारने पड़ते हैं, जैसे एक हाथ हमने सीधा सीधा मारा है तो एक हाथ हम दूसरे तरफ से मारेंगे ताकि इसकी पूरी भराई हो जाए। इस तरीके से ये थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, इस करके आपको कलर ऐसा दिख रहा है, बाकी ये गोल्ड कलर ही है। मैं भी आपको लाइट में दिखाऊंगा इसको कि किस तरह का ये होता है कलर। पहले हम इसको कर लेते हैं। तो देखिए अभी हमारा ये हो चुका है फिनिश, हमने सिंगल कोट ही किया है इसके ऊपर। अगर आपको डबल कोट करना है तो जब ये सूख जाएगा 5-7 घंटे में, तो इसके ऊपर हल्का सा रेगमल लगा के 320 नंबर या फिर 400 नंबर का इसके ऊपर आप डबल कोट कर सकते हैं। तो देखिए गोल्ड है, अंधेरे की वजह से ज़्यादा पता नहीं लग रहा है, लेकिन ये गोल्ड कलर ही है। और ये देखिए फिनिशिंग हमारी इस तरह की है, ये लाइट में अभी आए हैं हम, तो हमारा बिल्कुल ओरिजिनल कलर दिख रहा है जो भी है। अब ये पूरा फिनिश हो चुका है, अब इसके ऊपर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें शाइनिंग भी होती है, बाकी अगर आपको इससे भी ज़्यादा शाइनिंग चाहिए तो इसके ऊपर आपको टचवुड ग्लोसी का प्रयोग करना पड़ेगा शाइनिंग के लिए, जब ये सूख जाएगा तब। बाकी इसके ऊपर लाइकर वगैरह का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑयल बेस है, अगर लाइकर मारेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम इसके ऊपर शाइनिंग के लिए टचवुड ग्लोसी प्रयोग कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, बाकी नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखिए टचवुड ग्लोसी होती है, 500 ग्राम की पैकिंग है ये, और इसकी MRP है 153 रुपये। इसकी छोटी भी पैकिंग आती है 200 ग्राम भी आती है, और बड़ी भी आती है 1 लीटर की, 4 लीटर की, 20 लीटर की, सभी पैकिंग उपलब्ध है मार्केट में। और इसको पतला करने के लिए इसमें भी आप थिनर मिक्स कर सकते हैं या फिर तारपीन का तेल मिक्स कर सकते हैं, ये तारपीन का तेल है, चाहे तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 लीटर में लगभग 200 ग्राम तक पड़ेगा तारपीन का तेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।